हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं सचिन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का यह जो मेरा टॉपिक है वह बेस्ड है कोरोना या फिर सार्स कोवी टू। फ्रेंड्स, यह जो मेरा लेक्चर है काफ़ी डिटेल होने वाला है और यह पूर्णतः साइंस के दृष्टिकोण से तैयार किया गया लेक्चर है। लेकिन दोस्तों, बहुत ही जल्द अचीवर्स आईसीएस एकेडमी के डायरेक्टर सर मिस्टर निमिल तिवारी सर द्वारा एक लेक्चर लेकर आया जाएगा इसी कोरोना वायरस के ऊपर ही, जिसपे सर यह डिस्कस करेंगे कि भारत और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस की वजह से कौन कौन सी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, साथ ही साथ इस कोरोना वायरस के कारण हमारी अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं। इसके साथ ही यह डिस्कशन होगा कि कोरोना वायरस से उत्पन्न इन चुनौतियों को निपटने के लिए इनके मैनेजमेंट में WHO और वर्ल्ड बैंक ने जो सहायता दी है उस पर। तो दोस्तों, यह जो लेक्चर होगा वह काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर होगा CGPSC मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, जिसमें ये आपके पेपर 7 से बिलोंग करेगा, जिसमें आप काफ़ी अच्छे से पेपर 7 की तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ यदि आप यह जो लेक्चर जो मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूँ और साथ ही जो आगामी लेक्चर है हमारे डायरेक्टर सर का, उन दोनों को यदि आप मिलाकर एक नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो इससे आपका पेपर 2 निबंध उसकी भी तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैंने आप लोगों के लिए COVID-19 से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न बना के रखे हुए हैं, जो कि आपको आगामी किसी भी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और यह काफ़ी लाभदायक होगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आपने यह मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस चैनल में नए हैं तो फटाफट से आप मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोज़ की जानकारी और नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं आज का यह जो सेशन है और बात करते हैं COVID-19 या फिर कोरोना की। दोस्तों, COVID-19 या कोरोना को समझने के लिए मैंने इसे कुछ खंड में विभाजित किया हुआ है, जिससे कि यह आपको क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से आसानी हो समझने में। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कोरोना क्या है। दोस्तों, कोरोना स्वयं एक वायरस नहीं है, बल्कि यह जानवरों और पशु पक्षियों में को संक्रमित करने वाली वायरस की एक प्रजाति है और बहुत कम ही कोरोना वायरस है जो कि मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। COVID-19 क्या है? फ्रेंड्स, आप समझेंगे कि कोरोना हो या फिर COVID-19 हो, दोनों एक ही चीज़ है, बट फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। लेट मी क्लियर इट, COVID-19 मीन्स कोरोना वायरस डिजीज 19, अर्थात कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जो बीमारी उत्पन्न होती है हम उस बीमारी को नाम देते हैं COVID-19। COVID-19 को फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है? दोस्तों, यदि आप इसका उत्तर अगर बताएंगे कोरोना, तो यह पूर्णतः गलत हो जाएगा, बल्कि COVID-19 को फैलाने वाले वायरस का नामकरण किया गया है SARS-CoV-2। कोरोना नाम कैसे पड़ा? कोरोना वायरस यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ताज या फिर क्राउन। दोस्तों, जब वैज्ञानिकों ने पहली बार कोरोना वायरस को माइक्रोस्कोप में देखा, तब उन्होंने यह पाया कि कोरोना वायरस की बाह्य सतह पर प्रोटीन्स की कुछ आकृतियां विद्यमान है जो कि ताज के समान या फिर क्राउन के समान दिखाई पड़ती हैं, तो इन्हीं के कारण इसका नाम क्या पड़ा? कोरोना। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले यह जो वायरस है उसका नाम अस्थायी तौर पर रखा था 2019 नोवेल कोरोना वायरस। यहाँ पे नोवेल का अर्थात होता है न्यू, अर्थात यह कोरोना वायरस फैमिली का सबसे नए प्रकार का वायरस था, इस कारण से इसका अस्थायी नाम दिया गया था क्या? 2019 नोवेल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का इतिहास क्या है और यह कैसे फैलता है? दोस्तों, SARS-CoV-2 या जो वायरस, इसकी उत्पत्ति चीन के एक छोटे से शहर वुहान में एक एंडेमिक के रूप में हुई थी और 31 दिसंबर सन 2019 को इस एंडेमिक का आउटब्रेक हुआ। आउटब्रेक होने के पश्चात यह पहली बार विश्व पटल में इस संक्रमण की जानकारी लोगों को हुई और बहुत जल्द यह जो एंडेमिक है वह एपिडेमिक्स में परिवर्तित हो गया। तब तत्कालिक रूप में इस बीमारी, इस संक्रमण को 2019 नोवेल कोरोना वायरस का नाम दिया गया था। लेकिन बहुत ही जल्द January 30, 2020 यह ऐसा समय था जब WHO को यह चिंता होने लगी कि यह वायरस काफ़ी स्प्रेड करने वाला है, काफ़ी फैलने वाला है। तब WHO ने इस संक्रमण को पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न यह घोषित किया। अब संक्रमण फैलाने वाले इस वायरस पर शोध कार्य किया गया। शोध कार्य करने के पश्चात यह पाया गया कि यह वायरस 2002 में फैले महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस सार्स के समान ही यह जो वायरस उसकी संरचना है, और इस प्रकार से 11 फरवरी सन 2020 को इस अनजाने, इस अननोन वायरस का नाम रखा गया SARS-CoV-2।
बहुत ही जल्द यह जो संक्रमण है वह चीन से निकलकर अन्य देशों में भी फैलने लगा और यह इस संक्रमण ने काफ़ी सारे महाद्वीपों को अपनी चपेट में लिया। तो इस कारण से 11 मार्च सन 2020 यह वो समय है जब WHO द्वारा इस संक्रमण को पैंडेमिक या एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया। दोस्तों यदि आपको एंडेमिक, आउटब्रेक, पैंडेमिक और एपिडेमिक समझ में ना आया हो तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं जिसपे मैंने इन चारों टर्मिनोलॉजीज को काफ़ी आसान और सरल भाषा में समझाया है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो प्लीज़ डू विजिट। कोरोना स्पीसीज का वर्गीकरण। दोस्तों हम कोरोना वायरस की स्पीसीज को चार सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और ये चार सब कैटेगरियाज हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा कोरोना वायरसेस। दोस्तों इन्हीं कैटेगरी के अंतर्गत सारे कोरोना वायरस आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही कोरोना वायरस हैं जो कि मानव के लिए हानिकारक हैं, जो मानवों को संक्रमित करते हैं। कौन कौन से कोरोना वायरस मनुष्यों को संक्रमित करते हैं? दोस्तों ऐसे कोरोना वायरस जो मनुष्यों को संक्रमित करते हैं उन्हें हम मानव कोरोना वायरस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के जो कोरोना वायरस हैं उनकी जानकारी सर्वप्रथम हमें सन 1960 में हुई थी और 1960 में हमारे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि चार प्रकार के कोरोना वायरसेस हैं जो कि मनुष्यों को संक्रमित करते हैं और ये चार प्रकार के कोरोना वायरस हैं 229E अल्फा कोरोना वायरस, NL63 अल्फा कोरोना वायरस, OC43 बीटा कोरोना वायरस और HKU1 बीटा कोरोना वायरस। तो ये जो चार प्रकार के वायरस हैं इन्हें सबसे पहले यह पाया गया कि यह मनुष्यों को संक्रमित करते हैं। और इस प्रकार से सन 2002 में भी एक कोरोना वायरस की जानकारी हुई जो कि मनुष्यों को संक्रमित करते हैं और उसका नाम था सार्स, SARS अर्थात सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फिर इसी प्रकार से सन 2012 का वह समय था जब हमें एक और कोरोना वायरस की पुष्टि हुई जो मानवों को संक्रमित करते हैं और वह कोरोना वायरस था MERS, MERS अर्थात मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और सबसे नया और अभी सबसे लेटेस्ट जो वायरस है जो मनुष्यों को संक्रमित कर रहा है उसके बारे में आप भली भांति और अच्छे से परिचित हैं और उस वायरस का नाम है क्या, SARS-CoV-2, जिसे हम आज कोरोना वायरस के नाम से काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जानवरों को संक्रमित करने वाला यह कोरोना वायरस मनुष्यों तक कैसे पहुंचा, यह जो वायरस है इसके वाहक कौन कौन से पशु हैं, कौन से जानवर हैं। तो दोस्तों यह समझने के लिए हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं सार्स, मर्स और COVID-19। यदि हम बात करें सन 2002 में फैले सार्स के बारे में, तो सार्स के बारे में जब अध्ययन किया गया तब यह पाया गया या यह माना गया कि सार्स को फैलाने वाला जो वायरस है वह या उसका जो प्राइमरी होस्ट या उसका जो वाहक जंतु है वह है चमगादड़, और यह चमगादड़ से होता हुआ सीवेट में आया और सीवेट अर्थात एक बिल्ली प्रजाति का एक पशु, एक जानवर है जो कि बिल्ली के समान ही दिखाई देता है, और इस प्रकार से उस सीवेट से होता हुआ यह मनुष्यों में संचरित हुआ। अब यदि बात करें मर्स, MERS जो कि 2012 में फैला था, इसकी बात करें तो सार्स की तरह ही इसका जो प्राइमरी जो वाहक है, प्राथमिक वाहक, उसे माना गया क्या, बैट या फिर चमगादड़, और यह चमगादड़ से होता हुआ ऊंट जो कि इंटरमीडिएट वाहक बना ऊंट, और ऊंट से होता हुआ यह मनुष्यों में पहुंचा। अब इसी प्रकार से COVID-19 के बारे में भी यह माना जा रहा है कि यह जो वायरस है SARS-CoV-2, यह इस वायरस का भी जो प्राथमिक वाहक है वह है चमगादड़, और यह चमगादड़ से होता हुआ, अब यह जो इंटरमीडिएट अभी नाम लेने वाला हो यह केवल एक स्टडी है, एक एक थॉट है कि शायद यहाँ से मनुष्यों में फैला होगा। तो इसका जो इंटरमीडिएट जो वाहक है वह है पेंगोलिन, और पेंगोलिन को भी इंटरमीडिएट वाहक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पेंगोलिन एक ऐसा जीव है जिसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक किया गया है, सबसे ज़्यादा उसकी तस्करी की गई है। तो इस प्रकार से यह जो पेंगोलिन है वह एक बहुत ही सुटेबल माध्यम बनता है मनुष्यों के संपर्क का। तो इस प्रकार से एक स्टडी, एक थ्योरी के अनुसार यह जो SARS-CoV-2 वायरस है वह चमगादड़ से, पेंगोलिन से होता हुआ मनुष्यों में फैला, यह एक ऐसी धारणा अभी वर्तमान में बनी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं COVID-19 के वायरस SARS-CoV-2 की संरचना पर। यदि हम बात करें इसकी संरचना पर तो यह इसकी एक संरचना है जो कि गोलाकार या फिर स्फेरिकल है। हम इस वायरस की जो सबसे बाह्य सतह है उसे हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर, और इसी लिपिड बाइलेयर्स में काफी सारे प्रोटीन्स हैं जैसे कि मेम्ब्रेन प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन या फिर एनवेलप प्रोटीन।
ये प्रोटीन से इस सतह पर, इस लिपिड बैरियर पर धसी हुई होती है, और यही जो प्रोटीन है ताजनुमा ग्राउंडनुमा संरचना बनाते हैं, जिसके कारण इस वायरस का नाम क्या रखा गया है, कोरोना। इसके अलावा यदि हम बात करें इस वायरस के भीतर, तो इसके भीतर एक कैप्सिड पाई जाती है, और इस कैप्सिड के भीतर इस वायरस का क्या होता है, आपके न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहने का मतलब है कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होंगे, आरएनए, और यह जो आरएनए वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि इस कैप्सिड से वो जुड़ा हुआ होता है। और जब यह जो वायरस है वह होस्ट सेल के बाहर होगा, तब लिपिड बायलेयर पे जो धसे हुए जो प्रोटीन्स है, कौन कौन से, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, स्पाइक प्रोटीन, और कौन सा प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन्स, और उसके अलावा ये कैप्सिड और आरएनए, ये सारी चीज क्या करते हैं, इस वायरस को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोविड-19 से हो रही मृत्यु पर, और कोविड-19 की जो यह मृत्यु दर है वो कितनी है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 2002 में फैले सार्स और 2012 में फैले मर्स से। तो यदि बात करें हम 2002 में फैले सार्स के संबंध में, तो 2002 में सार्स की महामारी से जो टोटल नंबर ऑफ केसेस उत्पन्न हुए थे वह हुए थे कितने, 8,000, और इन 8,000 लोगों में से कुल 800 लोगों की मृत्यु हुई थी। और यदि हम बात करें इसके मृत्यु दर की, सार्स के कारण कितने प्रतिशत की मृत्यु दर से मृत्यु हुए थे, तो वह अगर मैं देखूं तो वह निकल के कितना आता है मेरा, 10%। अब यदि दोस्तों हम 2012 में फैले महामारी मर्स की बात करें, तो इस मर्स के कारण जो टोटल नंबर ऑफ केसेस उत्पन्न हुए थे वह 2,500 केसेस थे, जिसपे की 850 लोगों की मृत्यु हुई थी। और इस प्रकार से मर्स के कारण जो मृत्यु दर पहुंच गया था वह होता वह कितना था, 34%। अब दोस्तों यदि हम बात करें कोविड-19 के संबंध में और भारत के संबंध में कि कितनी मृत्यु दर है कोविड-19 से, तो आज वर्तमान में यदि हम देखें इस कोविड-19 के कारण जो टोटल नंबर ऑफ केसेस है वह है 28,380 केसेस, जिसमें आज वर्तमान 27 अप्रैल की स्थिति में जो टोटल नंबर ऑफ डेथ है वह है कितना, 887। अब यदि हम इसका मृत्यु दर देखें तो वह निकल के केवल और केवल आता है 3.13%। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यह देख सकते हैं कि कोविड-19 के कारण जो हो रही मृत्यु है और जो मृत्यु दर है वह सार्स और मर्स की तुलना में काफी कम है। दोस्तों चूंकि यह वायरस सार्स और मर्स की तुलना में काफी भयावह और खतरनाक है, फिर भी हमने भारत में, हमारे अपने देश में हमने मृत्यु दर कितना मेंटेन रखा है, 3.13%। दैट मींस हम अपने देश में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमने काफी अच्छे से किया है। हमारी गवर्नमेंट कोविड-19 के मैनेजमेंट में काफी सराहनीय कार्य कर रही है, जिसके कारण यह जो मृत्यु दर है अभी फिलहाल 27 अप्रैल 2020 की स्थिति में 3.13% तक सिमट कर रह गया है। तो दोस्तों इसकी सीवियरिटी या फिर यह कितना खतरनाक है, यह जानने के लिए हमें दो चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा कोविड-19 को लेकर। एक हम अध्ययन करेंगे डिग्री ऑफ स्प्रेडेबिलिटी ऑफ कोविड-19, और दूसरा है सीरीज इंटरवल। और इन दोनों ही चीजों के लिए मैं कंपेरेटिवली एक तुलनात्मक अध्ययन करूंगा एक कॉमन फ्लू, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डिग्री ऑफ स्प्रेडेबिलिटी। डिग्री ऑफ स्प्रेडेबिलिटी कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि संक्रमित है उससे कितने लोगों को संक्रमण हो सकता है, किस रफ्तार से संक्रमण हो सकता है। तो दोस्तों यह समझाने के लिए मैं आपके साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करूंगा इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 का। तो यदि दोस्तों आप यह देख रहे हैं, माना कि यह एक व्यक्ति है जो किसी समुदाय में है और वहां पे इसने क्या किया है, स्नीज किया या फिर खांसा है, तब यह जो संक्रमण है इस संक्रमित व्यक्ति से तीन लोगों को हमने मान लिया कि तीन लोगों में फैलता है। देन सो ऑन, ये जो तीन व्यक्ति या अदर कितने लोगों को, 9 लोगों को फैलाएंगे, और यही 9 लोग अदर 27 लोगों को फैलाएंगे, 27 पीपल। तो एंड सो ऑन, ये जो कंडीशन है, स्प्रेडेबिलिटी है वह बढ़ती जाएगी। और अगर यदि इसी प्रकार हम बात करें इन्फ्लुएंजा की, तो इन्फ्लुएंजा में एक समय एक इन्फेक्टेड व्यक्ति या संक्रमित व्यक्ति है तो वह एक समय में दूसरे व्यक्ति को ही फैलाएगा, और वह व्यक्ति किसी अगले व्यक्ति को, एंड सो ऑन अगले व्यक्ति को। तो इस प्रकार से जो डिग्री ऑफ स्प्रेडिबिलिटी है वह कोविड-19 में ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन्फ्लुएंजा। अगर मैं इन दोनों के मध्य इन्फ्लुएंजा और कोविड-19 के बीच में एक ग्राफ खींचूं, तो यदि हम मान लें कि यह एक एक्सिस है एक्स एक्सिस और यह एक एक्सिस है वाई। अब यदि हम यहाँ पे मान लिया जाए कि और डिग्री ऑफ स्प्रेडिबिलिटी है किसी कोविड-19 की, तो यहाँ से कोविड-19 की जो स्प्रेडिबिलिटी वो क्या है, एक टाइम में तीन लोगों को फैलाता है, देन ऑन नाइन एंड सो ऑन
फर्दर, तो यह जो ग्राफ है वो जाएगा क्या ऊपर की ओर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इन्फ्लुएंजा की बात करूं तो वह जो इन्फ्लुएंजा है वह इस आर जीरो से कहां पे जाएगा, वो चूंकि एक समय में एक व्यक्ति को ही फैला रहा है तो वह एक लीनियर लाइन क्या करेगा मेंटेन रखेगा और इस प्रकार से इसके जो स्प्रेडेबिलिटी काफी कम दिखाई देती है। तो दोस्तों हमें यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पे हमको यह चाहिए कि जो स्प्रेडेबिलिटी ऑफ कोविड 19 है हम उसे क्या करें लोअर करें, जो कि यहाँ से कहाँ जा रहा है वो अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो हमें इसे कम करना है, स्प्रेडेबिलिटी कम करनी है। तो अब सिंपल सी बात है कि हम ये स्प्रेडेबिलिटी कम कैसे करें, इसे कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा या जो लॉकडाउन जो सरकार द्वारा जारी किया गया उसका पालन करना पड़ेगा। यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन का पालन करते हैं तो उससे क्या होने वाला है, उससे ये होगा कि जो वो एक व्यक्ति जिसने स्प्रेड किया था तीन लोगों के, अगर यहाँ पे डिस्टेंस है सोशल डिस्टेंसिंग है तो यह जो स्प्रेड है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं होगा। तो इस कारण से जो हमने जो लिनियर जो लाइन बनाया था, जो ग्राफ बनाया था, उसमें क्या है कि वह जो ये अपवर्ड जो मूवमेंट हो रही जिसकी कोविड 19 से जो स्प्रेडेबिलिटी उसकी वह क्या डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी और इस प्रकार से जो कोविड 19 की स्प्रेडेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं क्या एस आई या फिर सीरीज इंटरवल। तो दोस्तों ये सीरीज इंटरवल क्या है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम से लेकर अन्य व्यक्ति को संक्रमित करने तक इन दोनों के बीच के समय को सीरीज इंटरवल कहते हैं। तो सीरीज इंटरवल हम एक छोटे से ग्राफ से समझेंगे और देखेंगे कि यह कितना खतरनाक है। मैं दोनों को भी कोरिलेट करने वाला हूं, किसे, सीरीज इंटरवल और डिग्री ऑफ स्प्रेडेबिलिटी। उसके बाद आपको यह समझ में आएगा कि यह कोविड-19 कितना खतरनाक है, कितना सीवियर बीमारी है या एक वायरस है, ठीक है। अब चलिए हम मान लेते हैं, अब हम यह मान लेते हैं कि यह कोई एक व्यक्ति ए है जो कि संक्रमित है और संक्रमित होने के पश्चात उसे 5 से लेकर उस 14 दिन के बीच कभी भी क्या हो सकता है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स उसको नजर आएंगे। चलिए मैंने एक व्यक्ति को माना ए है और यह जो ए है यह व्यक्ति इस 5वीं तारीख इस 5वें डे के बाद, लाइक सो ऑन मान लीजिए कि 8वें दिन वह क्या कर रहा है, इस 8वें दिन पे वह किसी व्यक्ति को क्या इन्फेक्ट कर रहा है। दैट मींस हमने अब चलिए वही मान लिया, अब हमने माना एक व्यक्ति बी है जो कि यह जो व्यक्ति है वह भी इस व्यक्ति के संपर्क में आता है और ऑनसेट ऑफ सिम्टम के बाद 8वें दिन इस व्यक्ति बी को क्या होता है, यह जो संक्रमण है वह ट्रांसफर होता है। तो दोस्तों यहाँ जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम कब हुआ था, 5वें दिन। तो इस 5वें दिन को अगर मैं देखूं तो इस 5वें दिन से कब जो व्यक्ति बी है वह संक्रमित हुआ, वह 8वें दिन। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कितने दिन का निकल के आता है, वो निकल के आता है कितने दिन का, 3 दिन का। तो दोस्तों यह जो 3 दिन है इस ऑनसेट ऑफ सिम्टम से लेकर किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने तक का जो समय है वह कहलाता है सीरीज इंटरवल। और दोस्तों किसी भी संक्रमण में यदि सीरीज इंटरवल ज्यादा है दैट मींस वह जो इन्फेक्शन है वह काफी सेफ है और उतना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन यदि यह सीरीज इंटरवल काफी कम है दैट मींस कि वह काफी खतरनाक होगा, जानलेवा साबित होगा। अब दोस्तों अब हम बात करते हैं इस सीरीज इंटरवल और डिग्री ऑफ स्प्रेडिबिलिटी को लेकर, यह देखते हैं कि कोविड 19 का जो वायरस है वह कितना खतरनाक है, कितना जानलेवा है। चलिए पहले आ जाते हैं हमारे पहले स्ट्रक्चर पे। तो चलिए हमने क्या बोला कि यह जो व्यक्ति है वह 3 लोगों को फैलाया। हाँ तो मैंने एक चीज और बताया कि ये कितने दिनों फैला है, 8वें दिन है ना, कितने दिनों पे, 8वें दिन। तो मैंने 8वें दिन फैलाया लेकिन हमारा सीरीज इंटरवल कितना आ रहा है वहां पे, 3। तो यह जो व्यक्ति है इन 3 व्यक्तियों तक कोई संक्रमण को अगर पास करेगा, उसको संक्रमित करेगा तो उसको कितने दिन लगेंगे, एस आई दैट मीन सीरीज इंटरवल कितने हैं, 3 दिन का, अर्थात हर तीसरे दिन में यह जो व्यक्ति है वह 3 लोगों को इन्फेक्ट करता है एंड सो ऑन। ये जो 3 व्यक्ति है वो हर तीसरे दिन 3 व्यक्तियों को संक्रमित करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इमेजिन करिए कि यदि यह जो सीरीज इंटरवल है वह 3 दिन ना होकर यदि 1 दिन हो तब क्या होगा, तब होगा यह कि यह जो इन्फेक्शन है हर दूसरे दिन वह क्या मल्टीप्लाई करेगा और काफी आगे बढ़ेगा और इस प्रकार से यह जो संक्रमण का जो 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 दृश्य है वो काफी भयावह साबित होगा और काफी खतरनाक होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों डिग्री ऑफ स्प्रेडेबिलिटी और सीरीज इंटरवल के आधार पर ही वैज्ञानिक आगामी समय में होने वाली मृत्युओं की संख्या का एक अनुमान लगाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने कोविड 19 से संबंधित सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं और काफी डिटेल स्टडी किया।
उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इसे स्प्रेड करें। अब दोस्तों मैं आपको छोड़े जाता हूँ COVID-19 से संबंधित प्रश्नों के साथ, और उम्मीद करता हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को लेकर अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।